वार एपिसोड में लगा शहनाज गिल के एंटरटेनमेंट का तड़का। बिग बॉस 13 की पॉपुलर कंटेस्टेंट शहनाज आई और आया एजाज पवित्रा की कहानी में लव एंगल। शहनाज ने बना दी जोड़ी, अब ऐसा ही कहना पड़ेगा। जी हाँ, वैसे शहनाज ने लिया जोड़ियों का टेस्ट। पहली जोड़ी थी पवित्रा एजाज, तो दूसरी जोड़ी में थे तीन जन, राहुल, जान और निक्की का टेस्ट। पर शहनाज के हिसाब से उनकी फेवरेट जोड़ी है पवित्रा एजाज, जिन्हें शहनाज ने भेजा डेट पर। वैसे शहनाज को सलमान ने पूछे कई सवाल, जिनके जवाब शहनाज ने कुछ यूं दिए, वो भी अपने अंदाज में। दुश्मनी करने की बारी आई तो शहनाज ने लिया निशांत का नाम। दोस्ती का जिक्र हुआ तो शहनाज ने लिया एजाज का नाम। और नॉमिनेट करने की बात आई तो शहनाज ने कहा वो सबको नॉमिनेट कर बनेंगी शो की विनर। है ना अनोखा आंसर। वैसे शहनाज अपने इसी अंदाज के लिए तो मानी जाती है। शहनाज की बातों का असर एजाज पर हुआ ऐसे दिख ही रहा था, क्योंकि पवित्रा को एजाज ने किया अपना हाली दिल बयां कि उन्हें भी उनसे अटैचमेंट है, कुछ कुछ होता है। और तो और पवित्रा को गोदी में उठाकर ले गए थिएटर में, जहां हुई उनकी डेट। और अपनी रोमांटिक बातों से और डांस से इस डेट को दोनों ने बनाया खास। पर आपको कैसी लगी ये जोड़ी, फेक है या फिर रियल, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वेल, शो में आज आखिरकार एजाज और कविता की दोस्ती को लेकर काफी बातें हुई और बहस भी हुई। बात तब निकली जब एजाज और कविता के बीच हुआ एसेंशियल और अन एसेंशियल टास्क का, जहाँ कविता को ज्यादा कंटेस्टेंट ने किया अन एसेंशियल घोषित और कविता को हुई चिड़। कविता को लगता है कि इन सबके लिए एजाज है जिम्मेदार, उन्हीं की वजह से घर वालों से कविता इक्वेशन नहीं बना पाई। और तो और कविता ने आज एजाज के पर्सनल प्रॉब्लम को भी शेयर किया। जब एजाज ने कविता को लॉकडाउन में उन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था और उनसे हेल्प मांगी थी, जहां कविता ने उनके लिए एक हफ्ते खाना बनाया था। अब बहस इतनी बड़ी हुई कि सलमान भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहां से हट गए और सलमान ने कहा कि झगड़ते रहो। अब सवाल ये है कि सलमान हर वक्त हर मुद्दे को सुलझाकर कंटेस्टेंट को उनकी गलती के लिए टोकते हैं, पर यहां सलमान क्यों हट गए? कविता को सलमान ने समझाने की कोशिश की थी कि एजाज ने आपको एक दोस्त के नाते, एक सपोर्ट के नाते देखा, पर कविता को लग रहा है कि एजाज ने उन्हें यूज किया है। कविता तो यहां तक कहने लगी कि वो सलमान से जितनी बार मिली है उससे भी कम बार वो एजाज से मिली है। अब तो कविता हो गई है शो से ही डिसअपॉइंट। कविता का कहना है कि शो में उनकी मस्ती दिखाई नहीं जा रही, सिर्फ बैड साइड दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से वो शो में नहीं रहना चाहती। और गुस्से में ये कह रही है कि निक्की जान पवित्रा एजाज को ही विनर घोषित कर दीजिए, इनको ही फाइनलिस्ट बना दीजिए। इस बार सलमान ने कविता को कुछ नहीं बोला। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में शायद कविता को अपने दिए हुए इन स्टेटमेंट्स की सलमान खान को सफाई देनी पड़ सकती है। जी हाँ, वैसे एपिसोड की शुरुआत में सभी को एक दूसरे को नवरस के टैग देने थे, जहाँ पवित्रा ने घिन का टैग दिया कविता को, जिन्होंने कविता की हरकतों से घिन आने की बात कही। तो राहुल ने भय रस का टैग दिया पवित्रा को। राहुल को लगता है कि पवित्रा है स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट और उन्हें उनसे डर है। वैसे जान ने शांति भंग करने का टैग दिया रूबीना दिलेक को, तो रूबीना ने आश्चर्य रस का टैग दिया पवित्रा को। वैसे शो में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान भी आई, जिन्होंने गाने से तो इस शो में अपनी महफिल जमाई, लेकिन उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग टास्क भी दिया, जहां पर कंटेस्टेंट को एक दूसरे को देने थे कई सारे टैग। तो शार्दुल ने मीन सदस्य का टैग दिया कविता कौशिक को, तो कविता ने इरिटेटिंग सदस्य का टैग शार्दुल को ही दिया। एजाज ने सबसे बड़ा चमचे का टैग दिया निशांत मलकानी को, तो निशांत ने जागने की जरूरत जिसे थी वो टैग दिया जान को। और निकी को देना था घर से वो किसे जल्द से जल्द निकलवाना चाहती है, तो निकी ने नाम लिया अभिनव का। उसी के साथ सबसे बड़े बदतमीज सदस्य का टैग मिला राहुल को, जो निकी ने ही उनको दिया। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टैग कंटेस्टेंट एक दूसरे को देते हुए नजर आए। तो वही नैना शो में नजर ही नहीं आई। जी हाँ, सलमान खान ने कहा कि नैना तो इस हफ्ते शो में दिखी नहीं है, अब नैना को खुद को जगाने की बहुत जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एपिसोड में एलिमिनेशन हुआ ही नहीं। निशान, जास्मिन, रुबीना और कविता इन चारों में से कल होगा कोई घर से बेघर। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और क्या लगता है आपको, इस हफ्ते कौन होगा घर से बेघर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।